आप बस बस इसका जवाब दे लेने दीजिए, फिर पूछे आईक्यू लेवल क्या होता है। स्पाइन ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें हर चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको कार्टेक्स में नापते हैं। जिसका कार्टेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। और जिसका कार्टेक्स यानी याद रखने की क्षमता कम है उसे कहते हैं कि इसका कार्टेक्स कम है, यानी आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आए होंगे। कुछ टीचर आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं, कोनो किताब उताब नहीं जी हाँ, कोनो किताबें ना है, आई खाता बुक वे देना यहाँ, इसी को समझा देते। देखो ये हिसाब किताब वाला किताब है, दिवाली के समय हिसाब किताब फाइनल होता है ना सबका सैलरी वैलरी का। तो कुछ टीचर को देखिएगा ना, तो ऐसे एगो किताब लेके रखे रहेंगे लोग और इसी में देख के पढ़ा देंगे। बाबू देखो नर्वस सिस्टम का दो गो पार्ट होता है, दो गो ना तीन गो होता है, नर्वस सिस्टम का तीन गो पार्ट होता है। ऐसे लोगों का मतलब खाता बुक रख दो भाई, इसका हिसाब दिवाली में हो जाएगा। तो ये ऐसे लोगों का इस आईक्यू लेवल कम है। लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप, उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी जाइए तो देखिए, या बड़े टीचर आईआईटी वगैरह जाएंगे, बहुत एकदम टीचर आते हैं आराम से, कोई नोट सोर्स कुछ नहीं, आया पढ़ा रहा चालू किया एकदम मस्त इंजॉय करके चला गया। तो इनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए हम आपको बताए भी थे, दिमागीन खाइए अच्छा रहता है, एक ही तरह की सोच मत सोचिए अच्छा रहता है। समझा गया? प्यार वगैरह के चक्कर में मत रहिए अच्छा होता है। देखिए प्यार मोहब्बत आपको हो ही जाता है, ये उम्र की गलती है। लेकिन सही क्या है कि आपके अंदर एक समझदारी रहनी चाहिए कि भाई साहब ये उम्र की गलती है, तो इसे गलती भरी स्वीकार कीजिए। अपने आप को जीवन साथी बनाने की कोशिश मत करिए, बस ये एक समाज के लिए गलत है, हमारी संस्कृति के लिए नहीं है। तो आप करते हैं तो छुप के ही रहिए, एक इस लेवल के रखिए कि भाई हमारी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम टेम्पोररी आए हो, नहीं तो इसमें चल जाओगे। लेकिन अगर ये प्रेम मोहब्बत में पड़ेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? आईक्यू लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे आईक्यू लेवल किसका अच्छा है, आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। सपना कैसे आता है? ये ब्रेन की वजह से आता है। थके नहीं रहेंगे ना, नींद अच्छी नहीं रहेगी तो सपना आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता है। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं कभी भूले नहीं? कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है? नहीं बोलते। रीजन क्या? आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं? 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना, तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए, मारते। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है। इसलिए अब कोई नींद में भी पूछेगा खान सर स्वायत्त तंत्रिका तत्व किसे कहेंगे, स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी 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 रिवाइज मारा आदमी कि ये हमारा सबकॉन्सियस माइंड में घुस गया है। सबकॉन्सियस देखिए, कॉन्सियस माइंड उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप ही अगर पूछेंगे कि खान सर जो एक हफ्ता क्लास नहीं लिए थे कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे ये स्टूडेंट है, इससे हर बात क्या बताएगा आदमी कि किस डॉक्टर के पास थे, कहाँ गए थे। नॉर्मल बोल देंगे बाबू थोड़ा सा मेडिकल हेल्थ इशू था इसलिए चलेगा। लेकिन अगर मम्मी पापा पूछेंगे तो उनसे हर चीज़ बताएंगे। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है वो उसे क्या कहते हैं, सबकॉन्सियस माइंड। जैसे कोई हमारा नाम पूछेगा खटाक से बता देंगे खान सर, समझ में आ गया कि नहीं? ओरिजिनल नाम तो आपको भी नहीं बताते हम लोग यहाँ पे। तो सबकॉन्सियस माइंड में घुसा दीजिए जो चीज़। जैसे आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं? हाँ, इसके बाद दहीने मुड़ना है, बाएं मुड़ना, आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सबकॉन्सियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आप थक, जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है, तब नींद प्रॉपर लिया कीजिए, नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।